कैसी है जनता, शेर इधर। और आज मैं फ्लैट लाइन के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरा जब फ्लैट लाइन चल रहा था, वो जब मैंने अपना पहला वीडियो डाला था Day 37 वाला, तभी मेरा फ्लैट लाइन चल रहा था। और ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ ने मुझे डिप्रेस कर दिया था। ये मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मुझे नोफैप के बेनिफिट्स सब मिल रहे थे, बट ये जब चीज़ें इस चीज़ ने जब मेरी लाइफ को हिट किया ना, तो मैं अंदर से ना एक टूट सा गया था। मुझे किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता था, ना ही फ़ोन में, ना ही मेरे को फ़ोन पे रहना पसंद था, ना ही मेरे को जिम करना पसंद आ रहा था उस टाइम पे। अगर कॉलेज बंद है और फिर मैं वापस से जब मैं कॉलेज जाता था ना, तो मेरे को डिफ़िकल्टी होती थी वो वापस से सोशलाइजिंग करने में। मेरे को किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, और लाइक एक वो डिप्रेसिंग स्टेट को मैं इग्नोर कर ही नहीं सकता हूँ, ऐसा स्टेट था वो एक। मेरे को अभी भी याद है कि मैं ऐसे ही राउंड लगाता रहता था रात को नाइट वॉक के लिए, और ऐसे ही मैं किधर कोने में जाके बैठ जाता था और अपना सर सर मतलब हेड डाउन करके बैठ जाता था किधर कोने में। और अच्छी बात यह है कि जब मेरा नो फ्लैट लाइन चल रहा था, तभी मतलब मैं तभी कंस्टेंटली ट्रांसम्यूट कर रहा था अपना एनर्जी। जैसे कि मैं तभी जिम कर रहा था, मैं तभी कॉलेज में एक्टिव था, मैं तभी मैं कंस्टेंटली बिजी था। मैंने अपने आप को उस टाइम पे बहुत बिजी रखा था। ये बात अलग है कि मेरे को किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था, ना ही फ़ोन छूने में मेरा मन लगता था, ना ही मेरे को जिम करने में मेरा मन लगता था, ना ही मुझे कुछ भी करने का मन करता था। मतलब सब चीज़ें जो मेरे आसपास थी ना, सब डल हो गई थी, सब डल। और मेरा उतना पोर्न से एडिक्शन था नहीं, बिकॉज़ पोर्न मैंने देखना बहुत पहले ही छोड़ दिया था। बिकॉज़ मैं पोर्न देख के समझ जाता था ये फेक पोर्न है, फेक टिटीज़, फेक बूडीज़, ये सब देख के मतलब मुझे वो मेरे ब्रेन को उतना स्टिमुलाई नहीं मिलता था। तो पोर्न से मेरा एडिक्शन नहीं था, बट मेरा एडिक्शन था मैस्टरबेशन से। मैं जब भी जिम से आता था, शावर लेने जाता था, तभी डेली मैं मैस्टरबेट करता था। और तभी मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ कितनी वाइरल है, ये चीज़ गोल्ड है, गोल्ड। ये चीज़ तभी मुझे पता नहीं था, हमारा सीमन इतना प्रीशियस गोल्ड है, तभी मुझे उस टाइम पे पता नहीं था। तो मैं डेली मैस्टुबेट करता था, डेली। एक ऐसा पॉइंट आया था जब लाइक वाटर गिर रहे थे मेरे, मतलब पानी जैसा सीमन था मेरा, थिक थिक नहीं था, ऐसा टाइम आया था एक। तो मैंने इस चीज़ इस हैबिट को ही मैंने कभी क्वेश्चन नहीं की कि ये हैबिट कितनी हार्मफुल हो सकती है मेरे लिए। हम मैं सिर्फ करते गया करते गया करते गया, और लाइक मैं पोर्न उतना नहीं देखता था, मैं सिर्फ मैस्टुबेट करता था। तो मुझे उतना, तो ये सब छोड़ने के लिए मुझे उतना डिफ़िकल्टी नहीं हुआ, बट एक एक बहुत ही ना एक अनअवॉर्डेबल स्टेज आता ही आता है। और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो तुम्हें विदाउट स्ट्रगल मिल जाए। अगर तुम लोगों को कुछ चीज़ चाहिए तो उतनी मेहनत भी करनी पड़ती है। तो फ्लैट लाइन में मतलब जो भी आधा मेरे साथ बुरा होना था वो हो गया, जो भी मतलब मैंने उसको मतलब उसको आराम से मैंने उसको अपना दिमाग को मैंने शांत रखा उस टाइम पे। और मैं बिकॉज़ मैंने एक होप रखा था अपने अंदर, एक मैंने ऐसा नहीं कि लाइक क्या अभी हो गया, मैं अभी क्विट कर रहा हूँ। और मुझे कभी मैस्टुबेट करने का मन ही नहीं करता एक्चुअली अभी। लाइक इफ़ आई एम इंडल्जिंग इन रियल सेक्स, तो मतलब तो भी मैं नहीं करूँगा, तो भी उस चीज़ को मैं अवॉइड करने की कोशिश करूँगा। बट अगर मेरी पर्सनल लाइफ में तुम लोग देखोगे, मेरे को मैस्टुबेट करने का ज़र्रा सा भी मन नहीं करता है। वो चीज़ अभी वो चीज़ मैंने छोड़ दी है। तो एक कंस्टेंट होप मैंने अपने अंदर रखा था, बिकॉज़ लोगों की ज़िंदगी सिर्फ एक ब्लिंक में बदल जाती है, एक ब्लिंक में उन लोग का सब कुछ छिन जाता है, एक ब्लिंक में उन लोग की लाइफ बदल जाती है। और ये चीज़ इतनी डिफ़िकल्ट इसलिए होती है बिकॉज़ जो हम लोग ने बचपन से अपने डोपामिन रिसेप्टर को ख़राब किया है। बिकॉज़ जब भी हम फ़ोन फ़ोन यूज़ करते हैं, कोई भी एंटरटेनमेंट मटेरियल देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, और लोगों के साथ फिज़िकली इंटरेक्ट करते हैं, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो डोपामिन रिलीज़ होता है हमारे दिमाग में, एक फील गुड हार्मोन है। और थिंक एंड ग्रो रिच में सेक्स को एक नंबर वन ब्रेन स्टिमुलाई बताया, मतलब उस चीज़ से सबसे ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ होता है। एंड मतलब सोचो तुम लोग, पोर्न देखने से कितना ज़्यादा अननेचुरल डोपामिन रिलीज़ होता है, बिकॉज़ वो एक अननेचुरल वे है। पोर्न देख के डोपामिन रिलीज़ होना एक अननेचुरल वे है। सो हम लोग ने अपने दिमाग को, पूरा दिमाग का वो सिस्टम ही ख़राब कर दिया है पोर्न देख देख के। तो इसलिए जब पढ़ाई की जब हम करते हैं तो उतना डोपामिन रिलीज़ नहीं होता, जब हम वर्कआउट फिनिश करते हैं और जब डोपामिन रिलीज़ होता है ना बॉडी में, वो उतना नहीं होता जितना पोर्न देखने से होता है। तो वो डोपामिन तुम लोग को फ्री में मिल रहा है, मैस्टुबेट करने के बाद तुम लोग को वो सब डोपामिन फ्री में मिल रहा है। तो तुम लोग बोलोगे कि मैं जिम क्यों करूं, मैं पढ़ाई क्यों करूं, मैं इतना स्ट्रगल क्यों करूं। सो हम लोग अब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट में फंस जाते हैं।
एंड 2 मिनट के मज़े के लिए गाइस तुम अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देते हो, 2 मिनट के मज़े के लिए। आफ्टर क्लाइमेक्स तुम लोग को ही पता है क्या फील होता है, वो क्या फीलिंग क्या आती है हम लोग को। एंड जो भी मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल हुआ है मेरे साथ, तो आधी आधा होप मैं वहाँ पे रखता हूँ और आधा फ्लैट लाइन ने मुझे सिखा दिया। और ये सीमन अटेंशन ने सच में बोल रहा हूँ मेरी ज़िंदगी बदल दी है। एंड ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा बैठे बैठे ज़िंदगी बदल गई है, मेरे को काम भी करना पड़ेगा। इतनी सारी एनर्जी लेके घर पे किसको बैठना है? ऑब्वियसली इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। इतनी सारी एनर्जी तुम घर में बैठे हो इंस्टाग्राम, अभी अभी करंट सिचुएशन ये है कि मैं बहुत बिजी हूँ और मुझे फ़ोन पे भी रहना बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसा सिचुएशन है अभी। बिकॉज़ फ़ोन इज़ अ फेक लाइफ, इंस्टाग्राम इज़ अ फेक। तुम लोगों को पता होना चाहिए इंस्टाग्राम पे सब अपनी एक क्रिएटिव इमेजिनेशन शो करते हैं, और जो उनको शो करना है वो दिखा, तुम भी कुछ भी दिखा सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम इज़ अ फेक। अब मैंने जैसे मेरा बताया कि मेरा उतना डोपामिन ख़राब नहीं था, बिकॉज़ मैं सिर्फ मैस्ट्रुबेशन करता था, मैं पोर्न नहीं देखता था, बिकॉज़ वो चीज़ मैंने अब्यूज़ कर दी थी बहुत पहले बचपन में, वो चीज़ मैंने अब्यूज़ कर दी थी। सो तुम्हारा जो एक्सपीरियंस होगा वो बेस्ड ऑन योर सिस्टम, तुमने अपना सिस्टम को कितना ख़राब किया है उसके हिसाब से तुम्हारा रिज़ल्ट निकलेगा। हम सबको अपने अपने नोट्स खुद ही बनाने हैं, सब लोग के एक्सपीरियंस अलग रहने वाले हैं इस चीज़ में। और ऊपर से अगर तुम ये सब चीज़ों में इंडल्ज हो, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब चीज़ों में इंडल्ज हो, और अगर तुम वो भी चीज़ें इसके साथ ही छोड़ रहे हो, तो तुम लोग को डबल लाइक बहुत मतलब वो जो रीसेट, जब तुम्हारा ब्रेन रीसेट होगा ना, तुम लोग को बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। बट वो एक बार चीज़ रीसेट हो जाती है ना, वो एक बार नेचुरल सेटिंग में आ जाती है ना, तुम्हारा ब्रेन का जो डोपामिन रिसेप्टर वो नेचुरल सेटिंग में आ जाती है ना, तब तुम अचीव करोगे बहुत सारी चीज़ें, अचीव करोगे। बिकॉज तब तुम्हें फ़ोन में लगे रहना पसंद नहीं रहेगा, तभी तुम्हें जिम करना पसंद रहेगा, तभी तुम्हें कुछ चीज़ें क्रिएट करने में मज़ा आएगा। बिकॉज जो तुम्हारा अननेचुरल डोपामिन रिलीज था ना, वो तुमने अभी वो हट जा चुका है, वो सिस्टम डिलीट हो चुका है, अभी एक नया सिस्टम आया। और अगर तुम फिजिकल लाइफ में कुछ करोगे तो ही तुम कुछ अचीव करोगे ना। और ऐसे कोई भी सुपर पावर नहीं है जो तुम्हें फ्री में मिल जाते, तुम्हें सब चीज़ों के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है। शेर हर शिकार पे उतना ही मेहनत करता है, उतना ही मेहनत। सो ये जो चीज़ है इसको एकदम, ये फेज़ टेम्प्ररी है, एवरीथिंग इज़ टेम्प्ररी। इवन जो भी चीज़ें तुम ओन कर रहे हो वो भी चीज़ टेम्प्ररी है, बिकॉज इवन योर बॉडी वो भी टेम्प्ररी है, तुम्हें एक दिन ये बॉडी को भी छोड़ना है। तो इतना मतलब सीरियसली चीज़ें मत लो यार, ये जितनी भी बाहर की ब्यूटी है, जितनी भी बाहर का मतलब जो तुम्हें सोचते हो ना कि ये मिल जाए वो मिल जाए, अगर तुम्हारे अंदर ही कुछ केमिकल लोचा हो गया, अगर अंदर ही या तुम्हारा बॉडी ही साथ तुम्हारा, अगर हेल्थ तुम्हारे पास अच्छी हेल्थ ही नहीं है, तो तुम वो सब चीज़ें इन्जॉय थोड़ी कर पाओगे। अगर इनर इनर ब्यूटी नहीं तुम्हारे पास, तो वो सब चीज़ें तुम क्या इन्जॉय कर पाओगे। एंड हेल्थ इज़ वेल्थ गाइज, हेल्थ इज़ वेल्थ। बिकॉज अगर तुम जाओगे ना दवाई खरीदने, तुम देखोगे इतनी इतनी सी दवाई, हज़ार हज़ार के ऊपर दवाई आती है, और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी वो लोग लूट रहे हैं, लूट रहे हैं वो लोग। तुम लोग भले ही अच्छा है, तुम लोग किस अगर तुम लोग दवाई ववाई नहीं खरीद रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट हेल्थ इज़ वेल्थ गाइज, हेल्थ इज़ वेल्थ। सो ऐसी कोई भी चीज़ें मत डालो अपने बॉडी में जिससे तुम्हारा हेल्थ ख़राब हो, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, दिस इज़ अ रियल टॉक। बिकॉज अगर तुम्हारा हेल्थ ही साथ नहीं देगा तुम्हारा, तो तुम क्या इन्जॉय करोगे? अमीर से अमीर इंसान भी देखोगे, अगर उसका हेल्थ ही अच्छा नहीं है, अगर या फिर वो अपने आप को एज अ अगली पर्सन देखता है, तो यार वो वेल्थ लेके उसका मतलब नहीं है। सब चीज़ों को हम लोग को साथ में लेके चलना रहता है। और ये जो फ्लैट लाइन है, सबके एक्सपीरियंस अलग होने वाले हैं। और मैं चाहता हूँ जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, सब लोग जो लोग ये चीज़ से गुजर चुके हैं, वो लोग अपना एक्सपीरियंस नीचे लिखो, और जो लोग मेरा वीडियो आके देख रहे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में पढ़ के, उनको एक एक्सपांड अवेयरनेस मिलेगा कि ये होता है लोगों के साथ। सो ये चीज़ मेरे साथ बहुत पहले हो चुकी थी, 6 7 महीने पहले हो चुकी थी ये बात, तो मैंने बता दिया। लाइक इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग पीरियड, वो चीज़ बहुत ही डिप्रेसिंग थी, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज ना मैंने एजिंग भी नहीं करना है गाइस, बिकॉज जो रीसेट होगा हमारा सिस्टम, वो उसको अच्छे से रीसेट करना है। अगर तुम एजिंग कर रहे हो, अगर तुम सॉफ्ट पोर्न देख रहे हो, वेब सीरीज़ या ये सब देख के ना, तो सिस्टम ख़राब होगा ही होगा। सिस्टम को हम लोग को पूरा नेचुरल सेटिंग पे लेके आना, तो इस चीज़ को अच्छे से करो। बस एक बार ये चीज़ तुमने अच्छे से कर दी, तो तुम्हारा ब्रेन उस चीज़ पे, उस सिस्टम पे वापस जाएगा ही नहीं। सो ये चीज़ अच्छे से करना। एंड
गाइस आज के लिए इतना ही, पीस।